हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एमके ब्लॉग्स जेबीपी। दोस्तों आज हम आपको लेके आए राम भरोसे होटल में, जो अपनी जलेबी, खोवा की जलेबी और समोसा और आलू बंडा के लिए बहुत फेमस है। मेरे पीछे आप दुकान देख सकते हैं, ये राम भरोसे होटल करते हैं। खोवे की जलेबी, इमरती रसगुल्ला, समोसा, मंगोड़ा और पुआ, ये सब चीजें यहाँ पे उनकी मतलब फेमस है। पर खास कर आपको खोवा की जलेबी, समोसा और आलू बंडा, ये तीन चीज बहुत ही चलती है इनके यहाँ पे। और चलते हैं इनकी मेकिंग और प्रोसेस देखते हैं, क्या 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 बनाते हैं भैया यहाँ पे और क्यों इतनी यहाँ पे जलेबी फेमस है और बाकी आइटम क्यों इतनी फेमस है और क्या क्या वैरायटी रखते हैं। तो चलते हैं अंदर, आपको बताते हैं। और मेन चीज खोवा की जलेबी जो यहाँ इतनी फेमस क्यों है और इसकी मेकिंग प्रोसेस क्या बनती है यहाँ पे, चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। चलिए अंदर। हमारा ये यहाँ पे समोसा भी बन रहा है जो राम भरोसे का बहुत ही फेमस है और बहुत ही मतलब टेस्टी समोसा बनता है यहाँ पे। मसाले का जो समोसे का जो टेस्ट रहता है, जो मसाला रहता है, वो अलग ही टेस्ट रहता है यहाँ पर। और देखिए मेकिंग दोस्तों, हमारी ये खोवा की जलेबी बननी चालू हो गई है, भैया बना रहे हैं। Thank you.
बहुत ही यम्मी है, गर्मा गर्म जलेबी सुबह की, और बहुत एकदम यूनिक और टेस्टी जो बनी हुई है यहाँ की सुबह की जलेबी जो बोलते हैं यहाँ पे, और सॉफ्ट भी है जो टेस्ट बोलते हैं यहाँ का ना, तो इसका फेमस है यहाँ पे, और अच्छी से बनी हुई है, टेस्ट एकदम यूनिक है, शक्कर बोलते हैं ना जो एकदम सही लेवल में डली हुई है, खोवे का टेस्ट है वो भी बहुत सही आ रहा है इसमें। चलिए फिनिश करते हैं हमारी जलेबी, ये समोसा यहाँ का, ये भी बहुत टेस्टी और फेमस है यहाँ। तो देखा आपने दोस्तों, हमने आपको आज पूरी मेकिंग और प्रोसेस जो राम भरोसे में खोवा की जलेबी है, समोसा है, कैसे बनता है और क्यों यहाँ का इतना फेमस है जबलपुर का। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी मेरी वीडियो मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र, जय हिंद।